जाम के झाम से परेशान हो रहे लोग, जिम्मेदार कौन? जाम में फंसे एम्बुलेंस में वृद्ध महिला की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। झरिया में अवैध पार्किंग से आम जन परेशान, वहीं अवैध पार्किंग ठेकेदार माला माल। झरिया शहर में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का पुलिस प्रशासन के पास समाधान नहीं है। आए दिन लगने वाले जाम से आम लोग व दुकानदार भी परेशान हैं। शादी विवाह और त्योहारों के सीजन में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। शहर में जाम से निजात दिलाने की मांग लोगों ने उठाई है। उन्होंने कहा कि जाम लगने की वजह से झरिया शहर में अतिक्रमण के साथ झरिया बलियापुर स्टैंड और बाटा मोड़ में अवैध पार्किंग है, जिसके कारण वाहनों से शहर में अक्सर जाम की समस्या होती है। अवैध पार्किंग से आमजन परेशान हो रहे हैं, वहीं अवैध पार्किंग ठेकेदार माला माल हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है? झरिया 4 नंबर मोड़ पर जाम लगने से आमजनों के साथ साथ मरीजों को भी परेशानी होती है। बता दें कि 4 नंबर मोड़ से कुछ ही दूरी पर मात्र सदन अस्पताल है। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से मरीजों की जान भी जा चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी है। बता दें कि विगत दिनों जाम में एम्बुलेंस फंसने से मरीज की मौत हो गई थी। मरीज के मौत के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने प्रशासन से शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम का बड़ा संकट है। हर दिन लोग ट्रैफिक जाम से जूझते रहते हैं, मगर जाम से निजात दिलाने की दिशा में पुलिस व प्रशासन के पास कोई रणनीति नहीं दिख रही। नतीजा, जाम से लोग परेशान, कई बार तो एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। शहर में शाम तक ट्रैफिक जाम की समस्या बनी थी। लोगों का कहना है कि चौराहे पर पुलिस जवान नहीं तैनात थे। नतीजा, लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर ओवरटेक कर आराम से आगे निकल जाते। इस कारण हर दिन वन वे व अवैध पार्किंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहते हैं कि यहाँ की प्रशासन व पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। था जाम के कारण पेशेंट गाड़ी में डेट कर गया। कहाँ पर डेट किया? बाटा मोड़ के पास। कहाँ का था पेशेंट? पेशेंट कोरीबान का था। अच्छा, थाना पुलिस भी था, उसे सामान नहीं रहा था। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं है। नहीं। जाम के कारण मेरा पेशेंट गाड़ी में डेट कर गया। मैं समय पर रहता तो बचा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सूरज। और पेशेंट का? पेशेंट का नाम नहीं जाना। कहाँ से पेशेंट लिया था? पेशेंट कोरीबान गया मास्टर घर से। देखिए, ये तो घोर लापरवाही है प्रशासन की, और कहीं ना कहीं आप देखिए तो जब से सत्ता का बदलाव झरिया में हुआ है, तब से लगातार परेशानी और लोग जनता त्रस्त हो चुकी है। और हम सब लगातार यहाँ के जनता बोली है, हर तरह की मतलब समस्या है, और प्रशासन का मतलब कहीं कोई विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। और जिस तरह से इस तरह से घटना हो रही है, ये आगे चल के गंभीर समस्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग आज मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे, और नहीं तो एक दिन झरिया घोर आंदोलन करेगी।